बीकानेर पूर्व क्षेत्र से विधायक सिद्धि कुमारी एक बार फिर सक्रिय हो गई हैं। आपको बता दें, राजघराने से ताल्लुकात रखने वाली सिद्धि कुमारी एक बार फिर जनता के बीच नजर आई। वहीं हमारे संवाददाता श्याम मारू ने सिद्धि कुमारी से की खास बातचीत। बीकानेर पूर्व से विधायक सिद्धि कुमारी हमारे साथ है, आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि वो सक्रियता दोबारा से शुरू हो गई है तो क्या क्या रहेगा उनका मामला पूरे विधानसभा क्षेत्र के दौरे वगैरह। मैं सक्रिय रही हूँ, मे बी मैं कुछ दिनों के लिए चले जाती हूँ, पर जब भी मैं जाती हूँ तो मैं वापस भी आती हूँ। तो जो लिख रहे हैं कि मैं चले जाती हूँ, वो ये नहीं लिख रहे कि मैं वापस भी आती हूँ। तो आई थिंक वापस आना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो मैं निभा रही हूँ। तो जो अभी बीच में ये चर्चा का दौर चल पड़ा था कि सिद्धि कुमार जी की जगह कोई दूसरा आएगा, लगातार आपने पिछले 15 साल से आपने बीकानेरपुर क्षेत्र की जो सेवा की है उसको लेकर आगे के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? देखो, ये डेमोक्रेसी है और इसके अंदर हर कोई टिकट मांग सकता है, कोई भी आ सकता है सामने। पर मैं ये सोचती हूँ कि जो लड़की ने इतना है, जो 15 साल दिया है इस प्रोफेशन में, तो 5 साल और दे सकती है। तो ये थी सिद्धि कुमारी बीकानेर पूर्व की विधायक, जो ये कह रही थी 15 साल मैंने सेवा की है और अगले 5 साल के लिए मैं और सेवा करना चाहती हूँ। अब देखने वाली ये है बात कि पार्टी उन्हें टिकट देती है या नहीं। कैमरा पर्सन धीरज जोशी के साथ श्याम बहादुर, सच बेदरक, बीकानेर।